हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर नेहा और आपका हमारे चैनल डॉक्टर तातेज होम्योपैथी में बहुत बहुत स्वागत है। आज का टाइटल पढ़ के आपको एक आइडिया तो आ ही गई होगी कि वीडियो किस बारे में है, लेकिन एग्जैक्ट वीडियो शुरू करने से पहले एक किस्सा, एक क्लिनिक में हुई केस आपको आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ। क्लिनिक में एक माता पिता अपने बच्चे को, 12 साल के बच्चे को, मुहासों की कंप्लेंट्स लेकर आते हैं। जब हम डिटेल में केस टेकिंग करते हैं तब हमें जो उसकी मम्मी है वो बताती है कि ये जब से उसे मुहासे जब से हमने मुहासे के लिए तो वो आए ही थे, लेकिन कुछ दिनों से ये बच्चा बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा है। अगर इसे कुछ भी पूछा जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, किसी से बात नहीं करता है, अपने कमरे में ही अकेले अकेले में रहता है। पता नहीं इस ऐसा क्यों कर रहा है ये। पहले पिछले अभी हमने कुछ दिनों पहले इसका स्कूल चेंज करवाया है। पिछले साल तक जब स्कूल में था तब तक तो बहुत अच्छा था, लेकिन पता नहीं जब से स्कूल चेंज किया है तब से ये बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। जब हमने बच्चे से अकेले में बात की तो उसने हमें बताया, हमें बोला कि नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, हाँ, लेकिन जब से ये पिंपल्स आते हैं ना तो मुझे बाकी के जो बच्चे हैं वो मुझे परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। और जब ये बात मैं अपनी माँ के साथ शेयर करता हूँ तो वो मुझे पुराने ज़माने के नुस्खे बताती है, वो अपने घरेलू नुस्खे मुझे बताती है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो हर बात के लिए फिर मुझे टोकती है कि ये मत करो, वो मत करो, तो तुम्हें ये परेशानी होगी, वो परेशानी करती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और जब मुझे बहुत गुस्सा आता है तो मुझे रोना आता है, और जब मुझे रोना आता है तो लड़के तो रोते नहीं है ना, तो मैं अपने कमरे में जाके अकेले बैठ जाता हूँ या फिर माँ के ऊपर गुस्सा करता हूँ, तो इसलिए मैं किसी से बात नहीं करता और अकेला बैठ जाता हूँ। तो दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे घरों में ये जो सीन है हमें देखने को मिलता है, और यही इसी विषय पर जो है हमारा ये टॉपिक आज का जो है वो हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, अगर ऐसी ही कोई सिचुएशन, ऐसी ही कोई घटना आपको आपके दोस्तों के में, आपके दोस्तों के परिवारों में या अपने ही परिवारों में आपको देखने को मिलती है या सुनी सुनाई आपको अगर आपके कान के ऊपर आती है, तो ये सिचुएशन को समझने की ज़रूरत है। ये वीडियो देखने तक, अंत तक आपको ये आइडिया आ जाएगी कि ये किशोरावस्था क्या होती है, इसको आप कैसे डील कर सकते हो, इसमें चुनौतियाँ क्या होती है, आप इसे सुलझा कैसे सकते हो, एक पूरी क्लियर आइडिया आपको आ जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि प्यूबर्टी क्या होती है। तो प्यूबर्टी को जो है किशोरावस्था या टीनेज भी कहा जाता है। इसकी जो उम्र होती है वो 8 से 13 साल लड़कियों में होती है, तो 9 से 14 साल लड़कों के लिए होती है। अब ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें बच्चे ना बच्चे होते हैं जो कि बहुत ही अल्लड़ होते हैं, ना ही वो इतने बड़े होते हैं कि उनमें जिम्मेदारियाँ निभा सके या अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सके, लेकिन उनमें एक सेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगता है कि अब हम बच्चे नहीं हैं और हमें बच्चों की तरह ट्रीट ना किया जाए। एक बड़े होने का बहुत ही स्ट्रांग सेंस जो है उनमें बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्यूबर्टी एज में चुनौतियाँ क्या होती है, इसके पहले हम जानते हैं कि इसमें लक्षण क्या होते हैं। तो पहले देखते हैं लड़कियों में लक्षण क्या होते हैं। तो लड़कियों में पहले तो महावारी यानी पीरियड स्टार्ट होते हैं। इसके बाद सेकेंडरी सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, जैसे कि बगल में बाल आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो जाना, जेनेटल्स के ऊपर बाल आना, ये सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो है वो दिखने लगते हैं। इसी के बाद हाइट का बढ़ना, मांसपेशियों में ताकत आना, उनका बढ़ना, कूल्हे चौड़े होना, वजन का बढ़ना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो दिखने लगते हैं। पसीने में से तेज़ गंध आना, इसके साथ साथ विपरीत या समान लिंग के लिए आकर्षण महसूस करना, ये भी भावनात्मक चेंज इसमें देखने को मिलते हैं। उसी तरह लड़कों में जो है उनमें भी जो है मांसपेशियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने लगती है, इनकी ऊंचाई जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगती है, आवाज़ में एक अलग ही भारीपन और कड़ापन जो होता है वो महसूस होने लगता है, पसीने से एक बहुत ज़्यादा तेज़ गंध आने लगती है। इसके बाद इनके भी शरीर पे जो बाल होते हैं वो बहुत ज़्यादा आने लगते हैं, बगल में बोलिए, जेनाइटल्स पे बोलिए, दाढ़ी और मूछें जो भी है वो भी प्रोमिनेंटली दिखने लगती है, शरीर की जो गंध होती है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होने लगती है, पेनिस और अंडाशय जो होते हैं उनका आकार मान जो है वो बढ़ने लगता है, कुछ किशोरों में नाइट फॉल यानी कि स्वप्नदोष की समस्या भी हो सकती है, या लड़कों में भी विपरीत या समान लिंग के लिए आकर्षण जो है वो बढ़ता जाता है। ये सभी जो संकेत है वो बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक है, ये सभी में होते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी अलग बात नहीं है कि ये सब किसी पर्टिकुलर लोगों के साथ होता है, ये सबके साथ होता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कोई समस्या है या आप इससे परेशान हो रहे हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आप परामर्श लेने के बाद इस उलझन से बाहर आ सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इस अवस्था में, प्यूबर्टी की अवस्था में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ये चुनौतियाँ जो होती है वो पेरेंट्स एज वेल बच्चे किशोर जो होते हैं इन दोनों के लिए होती है।
तो देखते हैं कि चुनौतियाँ क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले होते हैं ये हार्मोनल चेंजेस, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जिनमें भारी मात्रा में बदलाव आने लगता है और ये बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। और ये मूड स्विंग्स की वजह से ये बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े या बहुत ज़्यादा कभी भी इनके मूड स्विंग्स होते रहते हैं, नाराज़ होंगे तो गुस्सा होंगे, किसी भी चीज़ का एक कोई प्रमाण नहीं रहता है। इसमें दूसरी चुनौती है कि संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, ये बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर कोई थोड़ी भी इनकी आलोचना करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर इनके बहुत बहुत ज़्यादा वेरियस रिएक्शंस जो है वो हो सकते हैं, कुछ रोते हैं तो कुछ चिल्लाते हैं तो कोई कुछ बहुत गुस्सा करते हैं। इसमें तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो अपने भविष्य को लेकर भी चिंता करने लगते हैं कि पढ़ाई में कैसे होंगे, भविष्य में उनका उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में लेकर भी चिंता करने लगते हैं। इसके साथ साथ अपनी हाव भाव को लेकर, अपनी शारीरिक दिखावट के ऊपर को लेकर भी वो हमेशा जो है वो तुलना करते रहते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। दूसरा, इसमें तीसरी एक चुनौती है कि सेल्फ आइडेंटिटी। इसमें होता है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे आगे चल के क्या करना है, भविष्य में कैसे करूँगा, ये सारी ही चिंताएँ जो है वो उनके ऊपर जो है अभी इस अवस्था में जो है वो स्टार्ट होने लगती है और इनके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं। और अपने दोस्तों के साथ जब भी वो बातें करते हैं और तुलना होने लगती है तो इसकी वजह से उनके आत्मसम्मान के ऊपर जो है वो बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अगली चुनौती है सामाजिक परिवर्तन। ये किशोर अवस्थाएं जो बच्चे होते हैं वो अपने दोस्तों से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं कि वो खुद भी उनकी तरह ढलने की कोशिश करते हैं और इसकी वजह से एक अलग ही तरह का दबाव जो है वो खुद के ऊपर ही बना लेते हैं या महसूस करते हैं। और यही वो फेज़ होता है जब सबसे ज़्यादा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, किशोर अवस्थाएं बच्चों के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि ये किशोर जो होते हैं उन्हें स्वतंत्रता चाहिए होती है जो कि उन्हें मिलती नहीं है। और इसी वजह से यही वो फेज़ होती है कि सबसे ज़्यादा टकराव जो है या मतभेद जो है या फिर झगड़े जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। अगली चुनौती है भावनात्मक विस्फोट। यही वो फेज़ होता है जब बच्चे किशोर जो होते हैं इनमें कोई भी भावना जो है वो कभी भी तीव्र स्वरूप ले सकती है, फिर वो चाहे गुस्सा हो या प्यार हो या केयर हो, एक्सट्रीम देखी जा सकती है। और यही वो फेज़ भी है जब अपोजिट जेंडर के लिए बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है, इसलिए बहुत सारे किशोरों में हमने देखा है कि प्रेम संबंधों के विकास या बहुत सारे संबंध जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। यही वो फेज़ भी होती है जब इन किशोरों में ये एक कोपिंग मैकेनिज्म भी तैयार होने लगता है, जिसमें कि अगर कोई सिचुएशन आती है तो ये एकदम से टफ हो जाते हैं और वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कूद पड़ते हैं, या फिर अपनी इमेज को बहुत ज़्यादा बड़ा करने के लिए या अपने खुद को ग्रेट करने के लिए, प्रूव करने के लिए, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए भी कभी कभी फॉल्स करेजियस जो स्टेप्स होते हैं वो भी उठा लेते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन बच्चों में, इन किशोरों में ये भावना सबसे ज़्यादा प्रबल होती जाती है कि हमको हमारे बड़ों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा या घर के बाकी के मेंबर्स के द्वारा समझाया नहीं जा रहा है, वो हमें समझ के नहीं लेते हैं। ये एक कंप्लेंट हमें बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में जो है वो देखने को मिलती है। ये ऐसे क्यों होता है? क्योंकि जो विचारधारा होती है, जनरेशन गैप होती है, वो इसके बीच का कारण होती है। किशोरों में होने वाले हार्मोनल बदलाव और एक वयस्क पीढ़ी जो पहले से ही परिपक्व है, इन दोनों के बीच में जो तालमेल नहीं बैठ पाता है, इसी की वजह से ये सारे जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। अब इन सब में होम्योपैथी आपकी कैसे मदद कर सकती है? तो होम्योपैथी एक होलिस्टिक साइंस है जिसमें हम जब भी ऐसे कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, ऐसे किशोर हमारे पास आते हैं, तो सेम हम उनका पूरा केस एनालिसिस करते हैं। जिनमें मेडिसिन की ज़रूरत होती है उन्हें मेडिसिन देते हैं, या जिन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है हम उन्हें काउंसलिंग देते हैं, और उनकी जो समस्याएँ होती हैं इनके ऊपर वो ओवरकम कर सकते हैं और एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ जो है वो जी सकते हैं। ये रहा इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने देखा कि लक्षण क्या होते हैं, इसमें चुनौतियाँ क्या होती हैं किशोर अवस्था में। अब इसी वीडियो का एक पार्ट 2 आएगा जिसमें कि हम देखने वाले हैं कि इस किशोर अवस्था में समुपदेशन कैसे किया जाए बच्चों के साथ, पेरेंट्स का और किशोर का काउंसलिंग कैसे किया जाए, इस विषय में एक हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है, उसे आप ज़रूर देखें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।